वेल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे और साथ साथ अपना स्कूल का काम भी कर रहे होंगे। आज हमने आपके रेमेडी पैक का पेज नंबर 42 करना है और उसपे सवाल क्या है, दुरुस्त हर्फ के गेट दायरा लगाए। ठीक है, क्या करना है आपने कि इन तस्वीरों को देखना है और इस तस्वीरों को देखने से आपने दुरुस्त हर्फ पे दायरा लगाना है, यानी कि जैसे आपको उसकी स्टार्टिंग साउंड जो होती है, यानी कि किस हर्फ से ये जो है वो चीज बनती है उसके गिरदा में दायरा लगाना है। जैसे सबसे पहले ये क्या है, चूहा। अब चूहा किससे स्टार्ट होता है, चे से, बीन से, बे से, अलिफ से। जी चे चूहा क्या होता है, चे चूहा। तो आप चे के गिर्द ऐसे दायरा लगा देंगे, ये इसकी स्टार्टिंग साउंड है, यानी कि इसका वो हर्फ है जिससे ये चीज बनती है, यानी कि इसका नाम लिखा जाता है। अब है खरगोश, क्या है खरगोश। तो अब इसकी आवाज क्या आ रही है, खे की। देखिए खे है हमारे पास यहाँ पे, जी खे खे जी, ये है खे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे दायरा लगा देंगे। ये क्या है, जहाज। ये क्या है, जहाज। जहाज किससे बनता है, जीम से। तो देखिए जीम वाला हर्फ है हमारे पास यहाँ पे, पे पे जीम। तो ये है जीम, जीम जहाज। हम जीम के गेट ऐसे दायरा लगाते हैं। उसके बाद देखें किसकी पिक्चर है, टमाटर। ये क्या है, टमाटर। टमाटर किससे बनता है, टे टमाटर, टे टमाटर। अब टे देखें हमारे पास है इसमें, टे जी, ये है टे। टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है, तो हम इसके भी ऐसे दायरा लगाते हैं। अब ये क्या है, स्कूल बैग है, लेकिन उर्दू में इसको बोलते हैं बस्ता। उर्दू में क्या बोलते हैं, बस्ता। इसका मतलब है शुरू में कौन सी आवाज आ रही है, बे की। कौन सी आवाज आ रही है, बे की। और बे की पहचान क्या होती है, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, तो ये है बच्चों बे। हम इसके गेट ऐसे दायरा लगा देंगे, बे बस्ता। अब नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये क्या है, दरख। दरख जिसे इंग्लिश में हम ट्री बोलते हैं, ठीक है, दाल दरख, दाल दरख। अब दाल कैसा होता है, दाल खाली होता है, उसके ऊपर नुक्ता भी नहीं होता, कोई भी नहीं होती। तो अब देखते हैं इनमें दाल है हमारे पास, ये क्या है, खे दाल, दाल जी, ये है दाल। तो इसके गेट हम ऐसे दायरा लगा देंगे, दाल दरख। अब ये क्या है, अनार। अनार, अनार किससे बनता है, जी अलिफ अनार। क्या होता है, अलिफ अनार। और अलिफ कहाँ है, ये राजी अलिफ। इसके गेट हम ऐसे दायरा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा अलिफ अनार। आपके ऐसे जो है ये पेज करना है। मैं एक दफा से दोबारा से आपको हरूफ पढ़कर बता देती हूँ, चे चूहा, खे खरगोश, जी जहाज, टे टमाटर, बे बस्ता, दाल दरख, अलिफ अनार। ठीक है, ऐसे आपने अपना ये पेज कंप्लीट करना है। शुक्रिया।